हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे राजमा चावल। सब्जी खाते खाते बहुत बोर हो गए थे, तो चलो सोचा आज बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी लगी जाते, तो चलो राजमा चावल बनाते हैं। सब रात को मैंने राजमा भिगो दिए थे, सुबह फिर उनको कुकर में सीटी लगा ली थी। फिर मैंने मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए, उनको पीस लिया, और 3-4 टमाटर लिए, उनको पीस लिया था। और फिर मैंने हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का टुकड़ा, इनको अलग से पीस लिया था। फिर मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला, और तेल गर्म होने के बाद जीरा डाला, और जीरा डाल के मैंने वो प्याज डाल दी थी। और हाँ, हमारी प्याज भुन गई ना, तब मैंने वो जो हरी मिर्ची लहसुन अदरक का पेस्ट था वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले, हल्दी नमक मिर्च ऐड कर दिए। फिर टमाटर डाल के उसको 5 मिनट भून लिया, और वो भुनने के बाद फिर हमने इसमें राजमा अपने ऐड कर दिया। अब हमारे राजमा को तड़का लग गया, अब ये बन के तैयार है। तब तक हम चलो उबाल आते हैं, तो ये बना लेते हैं चावल। चावल मैंने अच्छे से धो के भिगो दिए थे, फिर भिगो के मैंने 1 चम्मच तेल लिया, उसमें थोड़ा जीरा डाला, और चावल ऐड करके उसमें जितने चावल थे उसके डबल पानी डाल के हमारे चावल ढक के मैंने पका लिए थे। उसके बाद हमने एक थाली ली और उसके अंदर अपनी प्लेटिंग करी, राजमा डाले, चावल डाले, और ऊपर से कच्चा प्याज डाला, और 1 हरी मिर्च रखी। अब हमारे राजमा चावल बनके तैयार है, आइए और खाइए।